सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल। आप लोग देखोगे इरकॉन इंटरनेशनल है या फिर गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, आरविनल है, इन शेयरों में हमें एक खबर आते हुए नज़र आई है जो कि एक नेगेटिव न्यूज़ साबित हुई है अभी इन शेयरों के लिए, और आज उनका असर भी रहा है शेयर के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देखो सपोर्ट वगैरह मैंने हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिए थे, और इस लेवल के ऊपर हाई अलर्ट फ्रेश एंट्री के कोई माहौल नहीं थे। अगर फिर भी ले रहे हो तो विदाउट एसएल नहीं लेना था, क्योंकि इन शेयरों ने जो रैली दी है पीछे आपने देखा होगा अभी इरकॉन इंटरनेशनल 270 रुपये के आसपास था, 270 से 335 के आसपास आया, 335-36 का हाई बनाया स्टॉक ने, तो काफ़ी शानदार रैली बनी है शेयर में। तो इतनी शानदार रैली के बाद आप लोग देखोगे भाई अगर 60-70 रुपये शेयर ऊपर उछलेगा तो उसके बाद देखो प्रॉफिट तो लिया जाएगा ना। तो एक तो प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है, ऊपर से आप लोग HFT वाली जो न्यूज़ आई है वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है इन शेयरों के ऊपर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार न्यूज़ क्या। अगर आपने नहीं देखे तो वैसे मैं हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको डिटेल जानकारी उसकी दे चुका हूँ, इस वीडियो में हल्का फुल्का जो ना भी नज़र डालेंगे और उसके साथ इसके आगे के क्या कुछ माहौल बनेंगे, क्या शेयर को होल्ड करके चलना सही है। देखो भाई, बहुत से भाई को तो ये नहीं पता है कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये हकीकत है। ये देखो भी एंट्री लेना बहुत आसान है, लेकिन उसको एग्जिट कहाँ पर करना है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बन जाता है। ठीक है, समझ में नहीं आता कि किस लेवल के ऊपर एग्जिट करना सही होगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, ठीक है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर सभी में आ जाते हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखोगे आप लोग BTST करते हो, यानी कि आज खरीदा कल बेच दिया, इस प्रकार से ट्रेडिंग करते हो तो रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए भाई। अगर लॉस में बेच रहे हो तो भी कोई बात नहीं है, अगर प्रॉफिट्स में बेच रहे हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो टारगेट्स हम सेट करके चलेंगे वो आने चाहिए। ठीक है, वो लेवल्स हमें मिलने चाहिए, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं। या फिर एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो इनमें से आपको चूज करना है आप लोग कर क्या रहे हो भाई। कोई इंट्राडे वाले भी हैं लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता कि हमें करना क्या है। ठीक है, इसीलिए देखो भाई एक बार खुद की जो भी ये प्रॉब्लम बनी हुई ना आपके दिमाग में जो चल रहा है ये कि करें क्या, बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं तो स्टॉक गिरने लग जाता है, बेच देते स्टॉक चढ़ने लग जाता है, ये सभी के साथ होता है। इसलिए अपनी मानसिक स्थिति को सुधारो। इसलिए मैं देखो भाई टेलीग्राम के ऊपर सभी भाई को लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 3 महीने के लिए उस शेयर को होल्ड करना चाहिए। और जो भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर स्टॉक्स दिए हैं आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, पेड मेंबरशिप रहने वाली है, 300 रुपये पर मंथ की फीस रहेगी, और उसका आगे का जो प्लान है वो आप लोग वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो जाके, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो यहां पर आपको सबसे पहले डिसाइड करना है आप लोग कर क्या रहे हो। ठीक है, उसके बाद अपनी आगे की स्ट्रेटेजी बनानी है। अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपका 1 वीक का व्यू होना चाहिए, 2 वीक के व्यू होने चाहिए, मैक्सिमम 1 मंथ का बस। ठीक है, 1 मंथ में शॉर्ट टर्म भी आ जाता है तो शॉर्ट टर्म और जो स्विंग ट्रेड है वो एक में ही आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये आपको जो ना भी सोचना आपको किस प्रकार का व्यू लेके चलना है। उसके बाद आपका जो ना भी लॉन्ग टर्म में आ जाओ, लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट टर्म में 1 महीने से 3 महीने तक का होल्ड करना चाहिए, 6 महीने तक, 3 महीने तक होल्ड करना चाहिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म में कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल 2 साल 3 साल उस टाइम के लिए होल्ड करना है आपको। तो ये स्ट्रैटेजी आपको खुद को बनानी है, अभी आपको करना क्या है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको लेवल्स का ज्ञान होना चाहिए और लेवल्स के ऊपर काम करना चाहिए। अगर सपोर्ट टूट रहे भी निकल रहे हैं कोई टेंशन नहीं है, अगर ऊपर में रेजिस्टेंस आ रहे हैं, ब्रेक आ रहे हैं, ब्रेकआउट आ रहे हैं, टारगेट्स आ रहे हैं तो वहाँ पर संतुष्टि भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो टारगेट्स थे वो हिट हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए टारगेट्स बजट से पहले जो टारगेट्स मैंने दिए आरएफएनएल के अंदर, इरकॉन के अंदर जो हमारा सेकेंड स्टॉक है IRFC, वहाँ पर टारगेट नहीं आया अभी 220 रुपये के आसपास का, 213 रुपये से स्टॉक जो ना भी ऊपर से टूट गया। तो यहाँ पर गिरावट के पीछे के रीजंस क्या है, एक तो HFT वाली जो न्यूज आई है वो, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग। तो HFT क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इरकॉन इंटरनेशनल और जो गुजरात मिनरल डेवलपमेंट है, यहाँ पर हमें जो ना भी ये खबर आते हुए नज़र आई है HFT स्कैन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पर देखो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म्स, ठीक है, HFTS, तो ये हमें देखने को मिल रहा है अभी। और एल्गो फॉर्म ऑन स्टेरॉइड्स, तो स्टेरॉइड एल्गो फॉर्म भी आप लोग इसको मान सकते हो। तो यूज कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स एंड पावरफुल कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूटेड ट्रेड्स एट लाइटिंग स्पीड्स। तो आप लोग देखोगे भी ये जो फॉर्म है, ये जो आप लोग जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फॉर्म है, इसमें क्या होता है, ये एक एल्गोरिथम है जहाँ पर पावरफुल कंप्यूटर्स रहते हैं जो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए,
ठीक है, फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए जो है कम में आते हैं। तो इसीलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर ये जो माहौल है वो हमें इन तीनों शेयरों में देखने को मिला है, आरवीएनएल के अंदर, इरकॉन इंटरनेशनल और जो ये गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इनके अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो है ये पब्लिक को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, यानी कि लुभाते हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट करते हैं रिटेल निवेशकों को इस स्ट्रैटेजी के अंदर, वॉल्यूम हाई जनरेट कर देते हैं। इसकी वजह से आप लोग देखोगे जो पब्लिक है उनकी तरफ जाती है बाय करने के लिए, और उसके बाद क्या होता है शेयरों में एक अच्छा एक्शन बनता है और फिर जो शेयर है वो ऊपर से प्रॉफिट्स के कारण जो है धड़ाम हो जाते हैं। तो इसी प्रकार का जो है माहौल इन शेयरों में देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज जो शेयर है ये हमें दबाव में दिखाई दे रही है। तो ये कारण रहे भी आज पहला गिरावट का, दूसरा प्रॉफिट बुकिंग है ही है। तो चलिए एक बार चार्ट और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर देखो भी स्टॉक अपने ओपन हुआ स्टॉक, उसके बाद जो स्टॉक ने हाई बनाया है, उस हाई से जो आज का इसका लो रहा है उस लेवल तक जो शेयर है वो 10% फिसल चुका है भाई। आज का हाई और आज का जो लो है उस लेवल से नीचे तक आप लोग 10% फिसल चुका है। अभी के टाइम जो शेयर है वो आप लोग देखो अपने हाई से 7% के आसपास गिरावट में है, ठीक है। स्टॉक अभी के टाइम 126 के आसपास है ना भाई, तो यहाँ पर देख सकते हो 312 के आसपास है। तो यहाँ पर स्टॉक में 7-8% के आसपास का फॉल है अपने हाई से, लेकिन हमारा जो सपोर्ट था लगभग 315 रुपये 80 पैसे 316 के आसपास का वो यहाँ पर टूट चुका है। अगर आपकी होल्डिंग है शॉर्ट टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेड वाले हैं, तो ये लेवल है भाई इसका सपोर्ट, इसके नीचे में शेयर अभी के टाइम है। तो यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री का माहौल नहीं है, नीचे में इसके चांस हो सकते हैं कि जो शेयर है वो 300 के आसपास आए फिर से, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ है ये। तो अब यहाँ से स्टॉक में जो रैली बने उसके बाद थोड़ा बहुत तो डीप बनेगा भी, 8-10% स्टॉक ऑलरेडी टूट चुका है। अगर यहाँ से 4-5% और नीचे जाए तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए SIP के जो रास्ते वो खुल जाएंगे, ठीक है। SIP यानी कि थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक को नीचे के भाव में ऐड करते रहने, इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी सारा पैसा एकदम से एंड नहीं करना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी अभी के टाइम। अगर मैं बात करूँ अगला सपोर्ट नीचे में, तो नीचे में जो सपोर्ट हमें क्रिएट होते हुए नजर आ सकता है इसके अंदर, इस लेवल के ऊपर जो रहेगा अभी लगभग 304 के आसपास का, तो ये सपोर्ट है। इसके अलावा पूछना कुछ तो कमेंट में पूछ सकते हो, जो भाई टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।